सरकार को भी मालूम है कि जो कर्मचारी है वो सरकार का कर्मचारी है और सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, मुख्यमंत्री भी किसी पार्टी के नहीं होता। ये तो अब एक नया फैशन हो गया है कि कहा जाता है कि साहब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार, वरना संविधान के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार। और जिस एक व्यक्ति को यहाँ तो पार्टी नॉमिनेट ही नहीं होती, कौशिक जी को मालूम है, संविधान के तहत व्यक्ति को इनविटेशन मिलता है कि मिस्टर सो एंड सो आइए और आप सरकार बनाइए। इसीलिए वो आदेश भी होता है कि योगी आदित्यनाथ जी को शपथ लेकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, वो किसी पार्टी में हो या निर्दलीय जीत जाए या ऐसे ही जीत जाए बगैर पार्टी बनाए, मान लो वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। ये अब लोग चिल्लाने लग गए कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारत, इसीलिए कर्मचारी भी किसी का नहीं होता। और हम लोग तो अफसरों का कुछ मजाक भी उड़ाते हैं, वो आपको क्या, आप तो किसी के नहीं, जिसकी सरकार आएगी उसी के आगे पीछे घूमेंगे। ये तो हम पत्रकार लोग कहते हैं ना, पुलिस के बारे में भी यही कहते हैं कि ये क्या है, किसी के नहीं है। ये कल समाजवादी पार्टी के कहने पर डंडा उठा के पीट रहे थे भाजपा वालों को, आज ये भाजपा के कहने पर सपा वालों को पीट रहे हैं। उनका काम सिर्फ डंडा चढ़ाना है और इसके लिए उनको राज्य सरकार वेतन देती है, और वो सरकार वेतन देती है जो प्रदेश की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है, नंबर एक। अब आगे ट्वीट करके कहा था, तो ट्वीट का हिंदी अर्थ होता है काव काव, तो कौआ काव काव करके आप लोग उसके पीछे पड़े। कौआ ने कहा, कहा गया कि नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, चक्कर ना पड़ो। तो ट्वीट का हिंदी में अर्थ समझो, ट्वीट माने होता है काव काव करना, तो लोग काव काव कर रहे पे निकल गए। असली बात यह है कि ये लोग जो अब पंजाबी में शब्द स्यापा कर रहे हैं, इनको स्यापा करने के बजाय कुछ हंगामा करना चाहिए। अब मैं कहता हूं तो इन लोगों को लगता है कि जैसे भड़का रहे। अरे भाई, जो लोग भी कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा कह रही है, या ये कहते हैं कि सरकार से हम इन बहुत अच्छी बात चल रही, तो यही तो हम खुद कह रहे हैं भाई। हम कोई इसका श्रेय लेने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं, ना हमारी कोई परीक्षा हो रही है। आपके कहने पर मिल सकता है तो आप तुरंत ले जाइए, आप कहें तो हम और सुकुमार मिश्रा और ये कौशिक जी, ये सब चले जाएंगे इनके साथ, इनका अगर कोई भला होना हो। तीसरी बात यह है कि इन लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये जब तक पंजा लड़ाने के मूड में नहीं होंगे सरकार से, तब तक इनको सरकार कुछ देने वाली नहीं। पंजा लड़ाना सबसे पहलवानी में पंजा लड़ाया जाता है, चलिए और पंजाब जो जैसे किसानों ने पंजा लड़ाया साल भर तक लगे रहे, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को झुका के माने, तीनों कानून तो वापस करा ही दिए, आगे एमएसपी वगैरह नहीं बने अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती क्योंकि इन्होंने सरकार से पंजा लड़ाया। जब जी कोई भी बिल्कुल आदमी इस युद्ध पर हो कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, तो फिर बगैर उसको पंजा लड़ाई या उसका कॉलर पकड़े फिर आप उससे कुछ नहीं ले सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।